हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि पेंसिल से पोर्ट्रेट फेस कैसे ड्रॉ करते हैं और उसमें शेडिंग कैसे करते हैं। तो आज मैं इन दो पेंसिल्स का यूज़ करके पूरा स्केच कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इस स्केच में हम आइज़, नोज और लिप्स को बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व करके यूनिफॉर्म मोशन में शेडिंग करेंगे। तो अभी मैं आइस से शुरू कर रहा हूँ। आइस को ड्रॉ करने के लिए मैंने 2B मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया है, क्योंकि उसमें डार्क एरियाज होते हैं, डेप्थ होती है, तो उसको ऑप्ट करने के लिए हमें डार्क ग्रेड की पेंसिल यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि 4B 6B। तो अभी मैं नोज को शेड करने के लिए HB मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे हमें काफ़ी स्मूथ रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ। छोटे छोटे पार्ट्स जहाँ पे डेप्थ हो रही है, वहाँ पे मैं 2B मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके डेप्थ को अच्छे से ऑप्ट कर रहा हूँ। किसी भी ड्राइंग को रियलिस्टिक लुक लाने के लिए हाइलाइट्स बहुत ही ज़रूरी होती है। तो अभी हाइलाइट्स के लिए मैं एक नीडेड इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, उसकी जगह पे आप जगह भी छोड़ सकते हो। छोटे छोटे पार्ट्स में मैं HB मैकेनिकल पेंसिल से स्लोली शेड कर रहा हूँ, और डेप्थ को ऑप्ट करने के लिए 2B ग्रेड की पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे रियलिस्टिक लुक आ रहा है। छोटे छोटे पार्ट्स में आप ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर सकते हो, और लार्ज एरियाज में ब्लेंडिंग के लिए हम टिश्यू पेपर या ब्रश का यूज़ करेंगे। अभी मैं बिल्कुल लाइट पेंसिल से बिल्कुल स्लोली शेड कर रहा हूँ, जिससे काफ़ी स्मूथ इफेक्ट आएगा। और उसको ब्लेंड करने के लिए मैं टिश्यू पेपर और ब्रश का यूज़ करूँगा। अभी हम लाइट पेंसिल से बिल्कुल स्लोली शेड करेंगे, उसके बाद ऊपर से 2B मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके डेप्थ को अच्छे से ऑप्ट करेंगे। और ब्लेंडिंग के लिए ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे काफ़ी स्मूथ इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। और हाइलाइट्स के लिए टिंटेड इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं लिप्स को ड्रॉ करने के लिए 2B मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ आपके आपको डार्क देखने को मिल रहा है, वहाँ पे 2B का यूज़ करके डार्क एरियाज को अच्छे से ऑप्ट कर रहा हूँ। और टिप्स में आपको हाइलाइट्स और लाइट एरिया देखने को मिल रहा होगा, तो उसके लिए मैं HB का यूज़ करके बिल्कुल लाइट स्लोली शेड करूँगा। ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है। और हाइलाइट्स के लिए मैं उसमें इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। अभी 2B मैकेनिकल पेंसिल से बिल्कुल डार्क एरियाज को अच्छे से ऑफ करके लिप्स को शेड कर रहा हूँ, जिससे काफ़ी बढ़िया लुक देखने को मिल रहा है। और छोटी छोटी हाइलाइट्स के लिए मैंने नीडेड इरेजर का यूज़ किया है। अभी HB पेंसिल का यूज़ करके फर्स्ट लेयर शेड कर रहा हूँ, उसके बाद 2B मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके सेकंड लेयर शेड करूँगा, जिससे आपको काफ़ी स्मूथ रिजल्ट दिख रहा है। और उसमें ब्लेंडिंग करने के लिए मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ। अभी छोटे छोटे पार्ट्स में 2B मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे काफ़ी स्मूथ रिजल्ट्स दिख रहा है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेक वाला जो पार्ट है, वहाँ पे थोड़ा डेप्थ है और डार्क है, तो उसके लिए मैं 2B मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और पेपर स्टम्प से ब्लेंड कर रहा हूँ। अभी ईयर्स की बारी है, तो ईयर्स को ड्रॉ करने के लिए मैं पहले जो डार्क एरियाज है उसको पहले अच्छे से ऑब्जर्व करके 2B मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके ऑप्ट कर रहा हूँ, जिससे डार्क वैल्यूज अच्छे से ऑप्ट कर रहा हूँ। उसके बाद लाइट पेंसिल का यूज़ करके, प्रेशर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, लाइट पेंसिल का यूज़ करके मैं अच्छे से स्लोली शेड कर रहा हूँ, जिससे काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है।
और हाइलाइट्स के लिए मैं नीडेड इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। तो भी मैकेनिकल पेंसिल से डार्क एरियाज को अच्छे से वॉप करके ब्लेंड कर लिया है, तो अभी काफ़ी स्मूथ रिजल्ट देखने को मिल रहा है आपको। अच्छे से ऑब्जर्व करके आप भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि रियलिस्टिक हेयर्स कैसे ड्रॉ करते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया तो लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।